नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहरसा सुपौल झंझारपुर आनंद विहार गरीब रथ की, जो बड़े ही धूमधाम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन क्या अब इसके साथ साजिश हो रही है, क्योंकि लगातार यह ट्रेन लेट हो रही है, लगातार 8 से 10 घंटे विलंब से यह ट्रेन चल रही है। ट्रैक्टर पर क्या है बता देते आपको, 10 घंटे की विलंब से ये ट्रेन चल रही है, 5 से 6, 7, 8, 9, 10 लगातार। और ये अगर सहरसा की बात करें, ये 21 तारीख को ये ट्रेन सहरसा से रवाना हुई, जो 6 घंटे के विलंब से रवाना हुई थी। इसके अलावा ये ट्रेन जब पहुंची बघा में, इसका जो टाइम टेबल देख लीजिए, 9 घंटे लेट हो गई ये ट्रेन। और यही नहीं, जब ये अभी तक गाजियाबाद नहीं पहुंची, उससे पहले ही ये 10 घंटे विलंब से चल रही है ट्रेन। इसी तरह एक और ट्रेन की बात कर, इसी के बात कर लें, 20 तारीख की ये ट्रेन सहरसा से जब रवाना हुई थी, तो 1.5 घंटे के विलंब से ट्रेन रवाना हुई थी, और ये आनंद विहार पहुंची थी 9 घंटे विलंब। यानी कि आप इसे बता सकते, 1 से 9 घंटे विलंब कैसे हो गई ट्रेन, जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है। सहरसा से एक और दिन जब ये ट्रेन रवाना हुई थी, तो 1 घंटे 12 मिनट ये ट्रेन लेट से रवाना हुई थी सहरसा से, और ये आनंद विहार पहुंची 5 घंटे की देरी से। तो 5 से 9 घंटे तो नॉर्मल टाइम टेबल है इसका। और ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दोस्तों, इस रूट पर इस ट्रेन का जो है वो आगमन है, एक बहुत अच्छी खुशखबरी थी। लोगों को उम्मीद थी कि हाथों हाथ लोग इसको लेंगे, और ये अभी लगातार इसकी वेटिंग लिस्ट आ रही है, लोग इसको बुक कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे स्टेटस क्या स्थिति है, लेकिन पहले जान लीजिए कि ये तो सहरसा की हमने आपको स्थिति दिखलाई, लेकिन आनंद विहार से भी अगर आपको देखें, ये आनंद विहार से 19 तारीख की अगर बात करें, तो 1 घंटे विलंब से ट्रेन आनंद विहार से खुली थी, और ये सहरसा पहुंची थी 2 घंटे विलंब से। तो ये तो करीब करीब ठीक ही था, लेकिन अगले दिन 20 तारीख की बात करें, तो आनंद विहार से 4 घंटे देरी से ये ट्रेन रवाना हुई, और उसके बाद सहरसा पहुंची है 5 घंटे के विलंब से, और जब विलंब से पहुंची है तो विलंब से खुलती भी है। इसी तरह से एक और दिन की बात कर लें, तो यहाँ भी ट्रेन 4.5 घंटे तक विलंब हुई, आनंद विहार से ट्रेन 1 घंटे देरी से रवाना हुई थी, और ये 4.5 घंटे विलंब हो गई है। ये मौजूदा स्थिति, यानी कि अभी ये ट्रेन 4.5 घंटे विलंब से चल रही थी। इससे पता चलता है कि स्थिति क्या है, कोई भी टाइम टेबल जो है बिल्कुल भी सही से इसका मेंटेन नहीं किया जा रहा है। लगातार ये ट्रेन रोज़ाना देर हो रही है, और ऐसे में सवाल यही है कि कहीं यात्रियों का विश्वास कम तो नहीं हो जाएगा। हालांकि देखा जाए, सहरसा से अभी भी ट्रेन वेटिंग लिस्ट जा रही है। सहरसा से बात करें अगर 0431 की, ये ट्रेन वेटिंग लिस्ट जा रही है। 23 तारीख को वेटिंग लिस्ट है, 25 को वेटिंग लिस्ट है, 26 को वेटिंग लिस्ट है, लेकिन आनंद विहार से अगर बात करें तो अवेलेबल है। इसलिए आनंद विहार से लगता है कि यात्री इस ट्रेन को लेने के अपने मूड में नहीं है, और मजबूरी में इसकी यात्रा करें। आपको बता दें कि ये ट्रेन 1300 रुपये लोग इसमें खर्चा करके जा रहे हैं, जबकि नॉर्मल गरीब रथ की 1000 का किराया है, और वो बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, जो सहरसा से अमृतसर की गरीब रथ है। इसी तरह से अगर 1300-1300 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं और उसको पहुंचा रहे हैं आप 9 घंटे की देरी से, तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी यात्रियों की, खास करके इस रूट पर बड़ी उम्मीदों के साथ ये ट्रेन शुरू हुई थी, और यात्रियों ने तो हाथों हाथ भी लिया था, लेकिन जिस तरह से ये लेट हो रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं यात्रियों का विश्वास खो तो नहीं जाएगा, कहीं इस ट्रेन के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रखी जा रही है कि इसे बंद करा दिया जाए, क्योंकि 2 ही महीने के लिए ट्रेन आई है, 2 ही महीने के लिए ट्रेन को एक तरह से प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा है, और स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन अगर ये स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में अगर यात्रियों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो ये ट्रेन बंद भी हो सकती है। इसलिए इसको जो है टाइम पे चलाना रेलवे की जिम्मेदारी है, रेलवे के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और ये 1 दिन लेट हो सकती है, 2 दिन लेट हो सकती है, लेकिन रोजाना क्यों लेट हो रही है, वो भी 10 घंटे की देरी। ये कोई नॉर्मल स्पेशल ऐसी ट्रेन नहीं है, इसमें 1300 रुपये यात्री लेके जा रहे हैं, तो ऐसी स्पेशल ट्रेन है, गरीब रथ है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसके ट्रेन के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई लॉबी है, क्या इस ट्रेन के खिलाफ कोई जानबूझ के साजिश हो रही है। हालांकि ऐसा नॉर्मली बहुत कम होता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिखला रही है कि रोजाना ये ट्रेन लेट हो रही है, रोजाना इस ट्रेन के साथ इस तरह का जो है वो भेदभाव किया जा रहा है लाइन में, तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, के बड़ी शुक्रिया, धन्यवाद। मुकुंद ठाकुर और बिंदु ठाकुर का बहुत बहुत शुक्रिया।